real world problems involving rate and ratio Assalamu alaikum I welcome you all on the platform of digital academic provided by moonlight international publishers Hello my dear students I'm your maths teacher my name is Aisha our today's topic is about the comparison of rate and ratio in real life word problems फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज अंड लॉर्डेड टू डिड से थाउजेंड हेक्टर्स hectares of a land into his three sons in seven ratio eight ratio five find shares of each son students हमारे पास example में वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक landlord है उसने क्या करना है उसके पास सेवन थाउजेंड हेक्टर जमीन है उसने वो जमीन अपने तीन बेटों में डिवाइड करनी है और वो किस रेशो से उसने डिवाइड करनी है सेवन रेशो एट रेशो फाइव अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हर बच्चे के पास कितना जमीन का हिस्सा आएगा इस, इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तीनों की रेशो को ऐड करेंगे जैसे हम सेवन प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी अगले स्टेप में हमने क्या लिखना है शेयर ऑफ फर्स्ट सन पहले सन के कितने शेयर हैं तो उसके लिए पहले सन की रेशो देखेंगे वो क्या थी सेवन तो हम लिखेंगे सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय सेवन थाउजेंड तो ट्वेंटी को सेवन थाउजेंड पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री फिफ्टी अब थ्री फिफ्टी को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी हेक्टर्स इसी तरह अब हमने अगले सेकेंड uh, सन के शेयर्स फाइंड आउट करने हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे शेयर्स ऑफ सेकेंड सन उसके लिए सेकेंड सन की रेशो देखेंगे क्या आ रही है एट आ रही है तो हम लिखेंगे एट ओवर ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय सेवन थाउजेंड हमारे पास 20 को जब हम 7000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 350 तो हम 350 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2800 एट हेक्टर्स उसके बाद थर्ड सन के शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे शेयर ऑफ थर्ड सन दैट इज फाइव ओवर ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय सेवन थाउजेंड को जब सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री और जब हम थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सेवेंटीन फिफ्टी हेक्टर्स इस तरह हमारे पास फर्स्ट सन के शेयर्स सेकेंड सन के शेयर्स और थर्ड सन के शेयर्स आ जाएंगे ओके okay, स्टूडेंट्स अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आए तो एक्सरसाइज में उन्होंने हमें तमाम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी गई दिए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है अगर हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर वन देखें तो उसमें वो हमें कह रही है द विथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड इज 40 मीटर स्कूल ग्राउंड की विर्थ हमें कितनी दी गई है 40 मीटर फाइंड द द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू इज अब उस लेंथ और विर्थ की रेशो हमें क्या दी गई है फाइव रेशो टू हमने फाइंड क्या करना है उस ग्राउंड की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम इसको लिखेंगे कैसे और रेशो क्योंकि डिवीजन होती है तो हम इसको लिखेंगे फाइव बाई टू लिखेंगे अब हमारे पास लेंथ हमने फाइंड आउट करनी थी विर्थ हमें दी गई थी फोर्टी मीटर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स क्यों इसको इस तरह लिखना है लेंथ डिवाइडेड बाई फोर्टी इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई टू अब 40 लेंथ के साथ डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे लेंथ इज टू अब हम क्या करेंगे टू और फोर्टी को एक दूसरे के साथ कट करेंगे टू वन जा टू टू ट्वेंटी ज फोर्टी अब हमारे पास आंसर क्या आया हंड्रेड मीटर इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर टू देखें तो क्वेश्चन नंबर टू में वो हमें क्या कह रहे हैं डिवाइड रुपीज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी ए बी एंड सी सो दैट ए रेशो बी इज इक्वल्स टू फाइव रेशो फोर एंड सी बी रेशो सी इज इक्वल्स टू नाइन रेशो टेन फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन अब हमने हर पर्सन के शेयर्स बताने हैं जबकि उन्होंने आपको ए बी और सी रेशो दी हैं इसको हम लिखेंगे कैसे ए रेशो बी रेशो सी देन हम ए रेशो बी लिखेंगे फाइव रेशो फोर स्टेप में लिखेंगे नाइन रेशो टेन अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे ये आप पिछली वीडियो में सीख के भी आए ए को बी के साथ बी को बी के साथ देन बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर रेशो फोर मल्टीप्लाई बाय टेन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा अगले स्टेप में लिखेंगे फोर्टी फाइव रेशियो थर्टी सिक्स रेशियो फोर्टी हमारे पास तीन रेशोज आ गई अब हमने सबसे पहले इन रेशोज का सम करना है इनके टोटल तो, टोटल निकालनी है टोटल रेशो निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे 45 फाइव प्लस थर्टी प्लस फोर्टी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 121। अब हमने पर्सन ए पर्सन बी और पर्सन सी के शेयर्स निकालने हैं सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए परसन के शेयर्स क्या है 45 फाइव डिवाइडेड बाई वन टी वन मल्टीप्लाई बाय 2420. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे मतलब पास मिलेंगे वो कितने है? रुपीज है. जब हम पर्सन बी की बात करें तो हम लिखेंगे थर्टी सिक्स आई थी थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन ट्वेंटी तो यहाँ से हमें पता चला ट्वेंटी फोर ट्वेंटी में से पर्सन uh, बी को कितने शेयर्स मिले हैं सेवन ट्वेंटी मिले हैं देन अमाउंट ऑफ सी लिखेंगे और वो कैसे सॉल्व करेंगे फोर्टी ओवर वन ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी और जब हम इस सब को करेंगे तो हमारे पास पर्सन सी के शेयर्स आ जाएंगे वो क्या आए हैं एट हंड्रेड रुपीज़ सो स्टूडेंट्स इस तरह हमने पर्सन ए पर्सन बी और पर्सन सी के शेयर्स निकाल लिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री अगर हम देखें तो उसमें भी उन्होंने आपको यही इसी मेथड के थ्रू आपने क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स इसी मेथड के थ्रू आपने सॉल्व करने हैं सो स्टूडेंट्स ये थी मेरी आज की वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टेट यूटिल नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़